मैं हूं सुल्तानपुर में। आज हमारे पास सुल्तानपुर के जिला अधिकारी रवीश गुप्ता जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, जो कि अपनी कार्यशैली के लिए अच्छी तरीके से जाने जाते हैं। 2012 के बैच के IAS हैं। मैं आज इनके पास बैठा हूं और इन्हीं से, इन्हीं की ज़ुबानी इनके बारे में जानना चाहूँगा, कैसे 2012 से लेकर के और आज 2020 चल रहा है, प्रेजेंट टाइम सुल्तानपुर जिला अधिकारी हैं, कैसा रहा, क्या रहा। आइए मिलते हैं रवीश जी। धन्यवाद सर। अरविंद जी, बहुत अच्छा लगा आज आपसे मुलाकात करके। जैसा कि आपने पूछा है, जो मेरा IAS में जो सफ़र रहा है वो 2012 से प्रारंभ हुआ है। 2012 के सितंबर में हम लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी ज्वाइन की थी और हमारी पहले चरण की ट्रेनिंग समाप्त करके हम लोग जून में उत्तर प्रदेश में हमारे बैच के 17 अधिकारी ट्रेनिंग के लिए आए थे। वहाँ मुझे मुरादाबाद में प्रोबेशनरी ऑफिसर या कहते हैं असिस्टेंट कलेक्टर अंडर ट्रेनिंग की पोस्टिंग मिली थी। वहाँ पर अभी मैंने संजय कुमार सर, उस समय जिलाधिकारी मुरादाबाद थे, उनके अधीन ट्रेनिंग ग्रहण की थी। लगभग 3 महीने के लिए हम लोग लखनऊ में उपाम में भी गए थे और लौट कर वहाँ पर मैंने BDO छजलैट और उसके बाद उप जिलाधिकारी ठाकुर द्वारा के पद पर भी कार्य किया था। फाइनली फिर अगस्त 2014 में हम लोगों ने अपनी ट्रेनिंग समाप्त की थी। उसके बाद मैं जॉइंट मजिस्ट्रेट मेरठ ज़िले में था, जहां SDM सदर का चार्ज मुझे दिया गया। वहां पे हमारे जिलाधिकारी श्री पंकज यादव जी थे, जिनके अधीन बहुत अच्छा सीखने को मिला और लगातार 1.5 साल तक मैं वहाँ SDM मेरठ रहा। वहाँ से फिर हम लोगों की प्रोन्नति के बाद मेरी पोस्टिंग CDO बलरामपुर के रूप में हुई। वहाँ लगभग 1 साल 3 महीने का कार्यकाल रहा और काफ़ी चैलेंजिंग रहा। बलरामपुर एक पिछड़ा जिला है और वहाँ CDO की भूमिका काफ़ी रहती है। इसके बाद एक अवसर मिला रामनगरी अयोध्या, उस समय फैज़ाबाद ज़िला कहलाता था जी, वहाँ का मुख्य विकास अधिकारी बनने का मौका मिला और बहुत अच्छे 2 जिलाधिकारियों के अंडर मैंने सर्व किया। और वहाँ पर जो पहला दीपोत्सव था, जो कि अभी काफ़ी बड़ा इवेंट हो गया है, उसमें एक अच्छा योगदान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और फैज़ाबाद के बाद हमारा शासन में हम लोगों की पोस्टिंग हुई थी। वहाँ पर जो लघु उद्योग विभाग है, MSME डिपार्टमेंट, वहाँ पर श्री भुवनेश कुमार सचिव थे, हमारे हेड थे, उनके अंडर लगभग 1 साल का टेन्योर मिला, जहाँ पर बहुत सारी जो नई MSME नीति आई थी उसके क्रियान्वयन में और साथ में थोड़ा बहुत ODOP जो योजना है, उनकी जो संगठक योजनाएँ हैं उनके क्रियान्वयन में सर के अंडर हम लोगों ने कार्य किया था। कालांतर में 2019 फरवरी में हम लोगों की पोस्टिंग एज कलेक्टर संत कबीर नगर हुई, जहां पर लोकसभा निर्वाचन 2019 कराने का मौका मिला और वहां पे लगभग 1 साल 6 महीने का फिर कार्यकाल के बाद अब सुल्तानपुर की धरती पर आने का सौभाग्य। सुल्तानपुर भी काफ़ी चैलेंजिंग रहा। सुल्तानपुर में जैसा कि दुर्गा पूजा है, दशहरा है, आपके आने के बाद ही शुरू हुआ, COVID-19 चल ही रहा है, तो ऐसे में बड़े अच्छे तरीके से आपने निपटाया दुर्गा पूजा और दशहरा और COVID-19 का जो भी शासन का दिशा निर्देश है उसको भी आप लगातार लागू कराते चले आ रहे हैं। आगे का क्या प्लान है? आगे दीपावली भी है, त्यौहार भी हैं, क्या कैसे मैनेज करें? सबसे बड़ा चैलेंज जो है COVID-19 का ही चल रहा है, क्योंकि आप जैसे जानते हैं जिस समय हमने ज्वाइन किया था उस समय लगभग जस्ट पीक से कटा था जिला, उसके बाद काफ़ी तेज़ी से नंबरों में और घटनाओं में, मृत्यु में भी कमी आई है, परंतु नंबरों में जितनी तेज़ी से कमी आई है उतनी तेज़ी से मृत्यु में कमी नहीं आई है, अभी भी ये हो जा रहा है। तो कुल मिलाकर के हमारा मृत्यु अनुपात थोड़ा बहुत बढ़ते जा रहा है, जो कि हमारा एक चिंता का विषय है। मैं रोज़ शाम को अपनी मेडिकल टीम के साथ यही करता हूँ कि हमें बेहतर सर्वेलांस करना है, क्योंकि यदि कहीं मृत्यु हो रही है तो कहीं ना कहीं उसके आसपास जीवित संक्रमित व्यक्ति भी अवश्य होंगे। तो सबसे पहला हमारा प्रयास यही है कि बेहतर सर्विलांस कराएं। मैं स्वयं अपने अधिकारियों के साथ औचक निरीक्षण भी करता हूं, जो हमारी सर्विलांस टीम है वो कैसे कार्य कर रही है, और वो पहला प्रयास है। कोविड में जैसा आप देख रहे होंगे कि पश्चिम के देशों में अभी सेकेंड पीक बहुत ज़्यादा आई है, फर्स्ट पीक से ज़्यादा बड़ी आई है। सौभाग्य से भी पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा सिचुएशन नहीं है, पर हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। जहाँ तक आप जानते ही हैं कि सुल्तानपुर की दुर्गा पूजा जो है बंगाल के बाद सबसे बड़ी है, इस बार कोविड के कारण उस पर काफ़ी कुछ हमें, मतलब प्रतिबंध नहीं कहेंगे, सहयोग से ही लोगों ने एक तरह से कोऑपरेट किया और हमने छोटी प्रतिमाएं लगाई, उनको छोटे रूप में विसर्जन किया। हर बार 200-250 मूर्तियां विसर्जन होती थी, इस बार लगभग 100 मूर्तियों ने किया। कुछ मूर्तियों ने प्रतीकात्मक ये रास्ता लिया, बाकी अपने आप ही, मतलब एक छोटे आधार पर आकर के उन्होंने विसर्जन किया।
और कुल मिलाकर के बिल्कुल बिना किसी झगड़े के, बिना किसी इशू के वो हो गया है। और अब आगे दीपावली और छठ का त्यौहार है जी, उसके लिए भी नगर पालिका के साथ हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि लोगों का अच्छा अनुभव रहेगा और सभी सौहार्द के साथ और शांति के साथ और कोविड से बचते हुए जी त्यौहार मनाएंगे। आने वाली 26 तारीख को, 26 जनवरी को सुल्तानपुर को क्या 6 लेन का गिफ्ट देने जा रहे हैं आप? ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। कल CEO UPIDA अवस्थी सर आए थे, यहाँ पर निरीक्षण किया था और उनके सामने ही ये बात आया कि जो सुल्तानपुर में पैकेज 3 का कार्य चल रहा है वो पूरे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में सबसे तेज चल रहा है। भाभी जी कहाँ पे हैं, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा पारिवारिक जी। पहले मैं अपने आने वाली फैमिली से करना चाहूँगा। मेरे फादर भी रेलवे में डिप्टी चीफ इंजीनियर हैं, अभी उनका 1 वर्ष बचा है अभी रिटायरमेंट में, और वहाँ से मेरी मदर एक गृहिणी हैं। हम लोग ने अपनी शिक्षा जो है एक बोर्डिंग स्कूल, रेलवे का बोर्डिंग स्कूल है मसूरी ओक ग्रोव स्कूल, वहाँ से मैंने मेरे भाई ने ग्रहण किया है। उसके बाद से मेरी वाइफ जो हैं वो माइक्रोबायोलॉजी में मास्टर्स की हुई हैं और उन्होंने फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ और कोका कोला में कार्य किया है। फिर अभी विवाह उपरांत खैर वैसी जगहों पे पोस्टिंग नहीं रही है, तो फिर उन्होंने लॉ की पढ़ाई की है और अभी वर्तमान में लॉ की ग्रेजुएशन समाप्त कर चुकी हैं और आगे फिर लॉ क्षेत्र में अपनी एक तरह से अवसर तलाशने में अभी लगी हैं। बेटा मेरा अभी 2 साल पूर्ण हुए हैं उनके और अभी तो खैर वो खेलने की उम्र है उनकी, तो ये रहता है, वही आशा रहती है कि हाँ उनको भी इसी प्रकार के, जैसे मेरे ग्रैंडफादर भी BDO के रूप में रिटायर हुए, तो एक स्टार्टिंग से ही सेवा का हमारे परिवार में रहा है और आशा करते हैं उनको भी ये पास ऑन होगा। थैंक यू। तो रवीश कुमार जी जिलाधिकारी सुल्तानपुर में प्रेजेंट टाइम इस समय मौजूद हैं, इन्होंने अपनी सारी बातें बेबाकी से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया को बताया और जैसा कि इनकी कार्यशैली भी रही है, लोगों के बीच में चर्चाएं भी रहती हैं, कार्यशैली में एक अच्छे जिलाधिकारी के रूप में जाने भी जाते हैं, तो अपना बड़े बेबाकी से इन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया। मैं इनको थैंक यू बोलता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। नवगठित न्यूज़ चैनल न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के सभी संस्थापकों को, सभी दर्शकों और सभी भावी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा आशा और विश्वास है कि इस चैनल के माध्यम से हम जन व्यवस्था में और पारदर्शिता ला सकेंगे जिससे सबका कल्याण होगा।